ऑफकोर्स कैमरे के टर्नस में अभी भी ये आईफोन फोर्टीन प्रो मैक्स से बेटर है बिकॉज बेटर जूमिंग कैपेबिलिटी है मोर रिजोल्यूशन है एट के रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है बेटर सेल्फी कैमरा है तमाम तरह की कूल cool चीज़ें हैं लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है वेलकम बैक आइज टाइम फॉर एनअर एक्साइटिंग वीडियो आज हमें अपकमिंग सैमसंग की डमीज़ को अनबॉक्स करना है जस्ट लाइक एवरी ईयर मैं आपको ऑलवेज ही दिखाता हूँ एंड ऑलमोस्ट एक्यूरेट लीक्स जो एट द मोमेंट है वो मोस्ट लाइकली फाइनली है बिकॉज काफ़ी क्लोज आ चुके हैं हम एस ट्वेंटी सीरीज़ के और गैलेक्सी अनपैक्ट इवेंट के सो लेट मी शो यू गाइज़ क्या क्या एक्साइटिंग है फर्स्ट विद दैमसंग गैलेक्सी एस ट्वेंटी थ्री ये सुपर कॉम्पैक्ट डिवाइस है थोड़ी सी प्राइस यार आपको फील हो सकती है बट इवेंचुअली उतनी होती नहीं है फीचर्स यहाँ पे आपको अच्छे मिलते हैं एंड वी हैव द एस ट्वेंटी थ्री प्लस और एट द लास्ट एस ट्वेंटी थ्री ऑल सा वाइट कलर का लुक काफी बढ़िया फील हो रहा है ओके सो लेट स्टार्ट फॉर्स्ट द डिज़ाइन क्या क्या चेंज आपको विजुअली यहाँ पर नजर आ सकते हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर के एस ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी टू प्लस में अब अल्ट्रा का डिज़ाइन लाया गया है इफ़ यू सी अगर आप ट्वेंटी टू अल्ट्रा देखेंगे तो जो कैमरे का मॉड्यूल है उसका डिज़ाइन अब एक्जैक्टली सेम है एकदम हॉर्जॉन्टल जैसा आया गया सॉरी वर्टिकल आया है लास्ट ईयर में क्या था एक अलग से सेपरेट कैमरा मॉड्यूल था लेकिन अब यहाँ पे जस्ट बैक पैनल में ये चीज़ जस्ट अलग से फिक्स की गई है सो ट्वेंटी टू और ट्वेंटी थ्री नियरली एक्जैक्टली सेम आइडेंटिकल साइज के होंगे एक्जैक्टली सेम डायमेंशन है सेम प्लेस पर आपको पावर बटन वॉल्यूम बटन मिलेगा दी टॉप बॉटम ऑफकोर्स गाइज नो हेडफोन जैक स्टफ, एंड ये एक्साइटिंग है यहाँ पे जो सिम ट्रे है उसका डिज़ाइन थोड़ा सा साइड में आ गया है इफ़ यू लुक एस ट्वेंटी थ्री अल्ट्रा यहाँ पे भी राइट है जबकि एस ट्वेंटी टू अल्ट्रा में सिम ट्रे का डिज़ाइन थोड़ा सा बॉटम में है वो इसलिए बिकॉज न्यू कैमरा सेंसर्स हैं न्यू सी पी यूज हैं तो थोड़ा सा इन साइड में रीअरेंजमेंट करना पड़ता है अदर देन देट कलर्स में गाइस कुछ नए होने वाले हैं इस बार आपको कोई भी ऐसे एक्साइटिंग बरगंडी कलर नहीं मिलेगा जो ऑफिशियल कलर होगा एस ट्वेंटी थ्री का वो गोल्ड और पिंक गोल्ड होगा ट्वेंटी थ्री प्लस का पिंक होगा और ट्वेंटी थ्री अल्ट्रा का ग्रीन कलर होगा मूविंग फर्दर गाइज लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले डिस्प्ले में भी आपको कुछ चेंज इस बार नजर नहीं आएगा ऑन दी एस ट्वेंटी टू एंड दी एस ट्वेंटी टू प्लस कोई भी यहाँ पे अडेप्टिव सपोर्ट नहीं है के सुपर डिस्प्ले एक्सैक्टली सेम साइज है जैसे कि फ्लैट डिस्प्ले आया था एक मेजर चेंज डिस्प्ले में इस बार आएगा वो है फिंगरप्रिंट स्कैनर का यहाँ पे आप नया क्वालकॉम का 3D डी मैक्स फिंगरप्रिंट सेंसर रहेगा जो थोड़ा सा ज़्यादा वाइड है एक्यूरेट रहेगा तो आपकी अनलॉकिंग ज़्यादा बेटर जाएगी कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन के इवन तो ये काफ़ी सुपर फास्ट था S23 ट्वेंटी अल्ट्रा में डिस्प्ले में अब हंड्रेड परसेंट एक्यूरेट है थोड़ा सा चेंज है सी ऑन दि साइड यहाँ पे कुछ मार्जिनल मिलीमीटर का फ़र्क है कंपेयर टू एस ट्वेंटी टू अल्ट्रा के सैमसंग ने ऑलरेडी टू थाउजेंड का ओले डिस्प्ले शोकेस किया है अब इस बात में कंफ्लिक्ट है कि हो सकता है जो टू थाउजेंड निट्स का डिस्प्ले पहने है। शायद वो एस ट्वेंटी थ्री अल्ट्रा में आ जाए एंड बट मोस्ट लाइकली चांसेस यही लग रहा है कि वो सेवनटीन फिफ्टी निट्स का जो ओल्डर डिस्प्ले था जो एस ट्वेंटी टू अल्ट्रा में यूज़ किया गया है वही डिस्प्ले फिर से आएगा बट वी आर पॉजिटिव शायद टू थाउजेंड निट्स का ही डिस्प्ले आ जाए ऑन दी कैमराज क्या कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है सही ऑन दी नंबर्स ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी थ्री प्लस में आपको नियरली सेम कैमरा मिलेगा फिफ्टी एम पी मेन सैमसंग सेंसर ऑफ कोर्स नो सोनी हियर एंड टेन एम पी का यहाँ पर आपको मिलेगा अल्ट्रा वाइड एंड टेन एम पी का टेलीफोटो मिलेगा जिसमें आप थ्री एक्स तक का जूम कर सकते हैं दोनों फ़ोन ट्वेंटी थ्री एंड दी ट्वेंटी थ्री प्लस में आपको एग्जैक्टली सेम सेटअप मिला है ऑन दी एस ट्वेंटी थ्री अल्ट्रा यहाँ पर एक मेजर चेंज गाइज होने वाला है दैट्स दैसवाई मैंने इनिशियली कहा था इसी एरिया में बस यहाँ पर आपको फर्दर इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ सकता है सी इस बार जो नया सेटअप आएगा वो मोस्टली सेम है जस्ट जो मेन सेंसर है वन जीरो एट एम का वो अब सैमसंग के न्यू टू हंड्रेड एम पी एच पी टू सेंसर से रिप्लेस हो जाएगा ना अब टू हंड्रेड एम पी इतना बेटर क्यों है बिकॉज सेम सेम सेंसर तो नहीं है बट एक्सैक्टली exactly हमने टू हंड्रेड एम पी के एडवांटेज देखे हैं रिसेंटली हमने रेडमी नोट ट्वेल्व प्रो प्लस को आईफोन फोर्टीन प्रो मैक्स एंड दी गैलेक्सी एस ट्वेंटी टू अल्ट्रा से कंपेयर किया था वहाँ पर हमने ये देखा था कि जब हायर मेगापिक्सल पिक्सल के थ्रू आप फोटोज़ लेते हैं तो आप फर्दर जूम करके क्रॉप करके डिटेल बढ़िया फाइंड आउट कर सकते हैं और इन फैक्ट जो फर्स्ट लीक इमेज आई है जो फोटोज़ लिए गए हैं एस ट्वेंटी थ्री अल्ट्रा से वहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया डिटेल यहाँ पर कैप्चर हो रहा है कंपेयर टू वन जीरो एट एम पी के और सुपर लो लाइट मोड में काफ़ी ह्यूज इंप्रूवमेंट होने वाला है सुपर नाइट मोड जो सैमसंग का है फाइव सेकेंड लेगा अप्रॉक्सिमेटली कंपेयर टू सिक्स सेकेंड के जो एस ट्वेंटी टू अल्ट्रा में लगता है और आपको काफ़ी बढ़िया लो लाइट फोटोस सुनने वाली है सो पर्सनली अगर मैं बताऊँ तो अगर मुझे कैमरा पिक करना हो मैं आपको थ्री फोन्स दिखाऊँ अगर आईफोन फोर्टी प्रो मैक्स फोर्ट फोर सो एस ट्वेंटी टू अल्ट्रा अभी भी एट द मोमेंट लाइक एस ट्वेंटी थ्री सीरीज के आने से पहले वन ऑथ बेस्ट कैमरा फोन्स जो है आप बाई कर सकते हैं ये सफ फोर्स पिक्सल सेवन प्रो भी है अगर आपके मार्केट में अवेलेबल है देन सो so, ये फ़ोन भी सुपर क्रेजी होने वाला है वेन इट कम्स टू द कैमरा एन अदर चेंज जो यहाँ पर दिख रहा है फोन में वो स्टोरेज को ले के हो सकता है बेस वेरिएंट जो सभी फ़ोन्स के होंगे फॉर एग्जांपल एस ट्वेंटी एंड एन 23 प्लस वो टू फिफ्टी से स्टार्ट होंगे कंपेयर टू लास्ट यहाँ पे 128 था यानी कि सभी मॉडल में टू फिफ्टी सिक्स है ऑफकोर्स एस ट्वेंटी थ्री अल्ट्रा वन टी बी तक जाएगा तो इससे एक साइड इफेक्ट क्या है ड्रॉबैक क्या है कि फ़ोन के प्राइस इवेंचुअली हायर हो जाएंगे एंड यस लेटेस्ट एस ट्वेंटी थ्री अल्ट्रा में अप टू आप एट की थर्टी एफ की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जो कि एट के ट्वेंटी फोर तक लिमिटेड है सैमसंग के इस एस ट्वेंटी टू अल्ट्रा में एन अदर चेंज जो इस बार मिलने वाला है वो है यू एफ एस के स्टोरेज में यू एफ एस फोर पॉइंट ऑलरेडी सैमसंग ने यू you नो know, मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है सो बोस्ट लाइकली यू एफ एस फोर पॉइंट टू का जो स्टोरेज है वो आपको एस ट्वेंटी थ्री सीरीज में कम्प्लीटली मिलने वाला है दैट मीन्स फास्टर रीड एंड राइट फास्टर प्रोसेसिंग फास्टर कैमरा प्रोसेसिंग सभी कुछ काफ़ी तेज होने वाली है एंड नाउलेस टॉक अबाउट दी परफॉर्मेंस स्नैपड्रैगन एट जेन टू ऑफकोर्स यहाँ पर मिलेगा सो यस दैट्स टू गाइड सैमसंग के फोन ऑफकोर्स थोड़े से स्लो डाउन हो जाते हैं नो मैटर ये एट जेन वन है जेन वन प्लस है कोई भी जेन लगा दो आई फोन सीरीज से अभी भी ये फीचे रहेगा एंड इवन ए सिक्सटीन बायोनिक से भी इसकी स्पीड थोड़ी सी कम रहेगी एंड एट द एंड का इस टॉकिंग वॉर्ड दी बैटरी बैटरी कैपेसिटी काफ़ी क्लोज है लास्ट ईयर के फ़ोन के ट्वेंटी थ्री एंड ट्वेंटी थ्री प्लस में टू हंड्रेड एम एच की बैटरी कैपैसिटी इनक्रीज़ की जा रही है जबकि एस ट्वेंटी थ्री अल्ट्रा में एक्सैक्टली exactly सेम है जो ये 2000 से नोट सीरीज से आ रही है फाइव थाउजेंड की बैटरी ये कोर्स यहाँ पे 45 फाइव वाट चार्जिंग का सपोर्ट है यहाँ पे भी 45 है और यहाँ पे जस्ट 25 फाइव वाट तक की चार्जिंग का सपोर्ट है सुपर एक्साइटिंग चेंजेस सुनी हैं कुछ माइनर चेंजेस हैं जो ऑफ कोर्स आपको दिखाई पड़ेंगे आइट्रेटिव चेंजेज एंड प्रोबली सैमसंग को कुछ नया पार्ट ऐड करना चाहिए मे भी कुछ न्यू मटेरियल्स शायद फ़ोन थोड़ा सा लाइटर ज़्यादा बने सो लेट्स वेट फॉर दी फाइनल लॉन्च हम सभी फोन्स को बाय करेंगे टेस्ट करेंगे और देखेंगे कौन से फ़ोन कैसे निकाल के आ रहे हैं आपके भी क्या थाट्स हैं इन सभी फ़ोन्स को लेकर ड्यू लेटर्स नॉन द कमेंट्स थैंक यू सो मच गाइस दिस इज सौरभ एंड डे